नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत में स्वागत है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बात जिस टॉपिक पर हो रही है वो टॉपिक है भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी। साथ में उन लोगों की बात भी की जा रही है जिनसे राहुल गांधी यात्रा के दौरान बात कर रहे हैं और मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दौसा में थी। राहुल गांधी के साथ हजारों लोग चल रहे थे। इनमें 119 लोग खास हैं क्योंकि ये भी राहुल की तरह ही शुरुआत से यात्रा में जुड़े हुए हैं और अब तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। क्रांति की कहानी हम आपको सुनाते हैं। क्रांति की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। कई यात्री हैं जिनका यात्रा के दौरान वजन 5 से 15 किलो कम हो गया, लेकिन क्रांति के शरीर का तो एक अंग ही गायब हो गया और वो अंग है गॉल ब्लैडर। इसके बावजूद वो यात्रा से जुड़ी हुई हैं, हर दिन 24 किलोमीटर चल रही हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश के महू में थी तो क्रांति बंजारे के बहुत तेज दर्द हुआ, चलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि 4 स्टोन है। उन्होंने कुछ दवाई ली और आगे बढ़ गई। इंदौर पहुंचते पहुंचते दर्द असहनीय हो गया। यात्रा के कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह को जब पता चला तो उन्होंने अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि स्टोन का साइज तेजी से बढ़ रहा है, हर हाल में ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा। 4 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज वे राहुल गांधी के साथ पूरे 24 किलोमीटर पैदल चल रही हैं। क्रांति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक राहुल गांधी राजस्थान में 70% यात्रा पूरी कर चुके हैं। अलवर से यात्रा हरियाणा में एंट्री करेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक ही फेज में 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। टी ब्रेक की जगह सीधा लंच ब्रेक रखा गया। भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन पूरे होने पर जयपुर के नए PCC ऑफिस में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। राजस्थान में राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ताजा अपडेट के लिए वीडियो टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।